एक पेटी 20 रुपए का, दो पेटी 40 रुपए का। ये आ गई शरबत और ऑरेंज वाली शरबत आपके सामने। और तीरथ भाई है जो है, तकरीबन कितने टाइम से? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल आप भी? और इसका क्या रेट? इसका वाइट वाले का जी 800 रुपये। कैसा है भाई? अच्छा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। क्या हाल, उम्मीद कर रहा हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम कर रहा हूँ आपको आज के इस नए ब्लॉग में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमरकोट सिटी, और सिटी का जो एंड है ये आप देख सकते हैं, ये आगे रोड जाता है मीरपुर खास की तरफ, हैदराबाद, कराची और पुनरी की तरफ। और आखिरी अड्डा है उस पर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगा आज इस ब्लॉग में उमरकोट सिटी। और उमरकोट सिटी, उमरकोट का पहले नाम जो अमरकोट था और अभी इसका नाम जो उमरकोट है, उमरकोट में जो है 70% हिंदू पॉपुलेशन है। ये गाड़ी जा रही है कराची की तरफ, तो यहाँ साइड पर जो है उमरकोट का किला लगता है, जो कि मीरपुर खास का रोड जाता है इसका जो एक साइड जो है, यहाँ पर ये किला भी लगता है उमरकोट का, जो कि मशहूर किला है, ये भी आपको दिखाएंगे। और अभी चल रहे हैं जो है शाही बाज़ार, अलावाला चौक, ये सारा कुछ आपको आज किसी ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो गाड़ियाँ सारी आ रही है मीरपुर खास से और जो है कुंडरी से आ रही है, और हम जा रहे हैं आगे शहर की तरफ। भाई सामने जो बस आ रही है ये जा रही है भाई कराची, कितनी खूबसूरत बस है आप देख लें, ये ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं अलावाला चौक पे, और सामने आपको दिखाते हैं ये अलावाला चौक। तो गाइज ये है अलावाला चौक, मशहूर चौक है उमरकोट का, जो है मेन स्टैंड है, और यहाँ पर लगती है शाही बाज़ार, और सामने है प्रेस क्लब, और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है। तो ये उमरकोट का मेन स्टैंड है, और यहाँ से जो ये बड़ा अड्डा है मीरपुर खास वाला अड्डा इसको कहते हैं, और अलावाला चौक, सारा कुछ यहाँ पर व्यू मिल रहा है आपको देखने के लिए। ये शाही बाज़ार, अब हम शाही बाज़ार में दाखिल हो चुके हैं और आपको दिखाएँ शाही बाज़ार के कुछ मनाजिर। पत्थर की सब्जी कुंभी यहाँ पर मौजूद है। अब घने किलो 400 किलो, तो भाई 400 रुपये के जी है एक के जी ये। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं ड्राई फ्रूट के दुकान पे, शॉप पे, आपको यहाँ के रेट्स के मालूम करके बता दें। तो सबसे पहले यहाँ बादाम के रेट मालूम करें। नारियल कितने के जी भाई? नारियल का क्या रेट है जी? 920। अच्छा ये बादाम, ये अमरीकी है, कराची, ईरानी, और ये अमरीकी, इसका क्या रेट है? अच्छा 2400। 200 रुपये के जी, 200 रुपये के जी। और ग्वार 200, टमाटर 150। अच्छा ठीक है, तो भाई अच्छा प्याज का क्या रेट? प्याज 40 रुपये। तो भाई प्याज यहाँ पर 40 रुपये, टमाटर 150 रुपये, और भिंडी यहाँ पर 200 रुपये पर के जी है। और रेगिस्तान में चलने हर रेगिस्तान में चलने वाली ये गाड़ी भाई, ज़बरदस्त। तो भाई ये मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो चप्पल लेते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये चप्पलें हैं यहाँ पर, देखते हैं। मोमिन खान भाई का नाम है, और ये पेटीज यहाँ पर लगाते हैं अलावाला चौक के सामने, बिल्कुल 1-20 रुपये का। तो भाई लगा दे गर्मा गर्म, एक पेटीज 20 रुपये का, दो पेटीज 40 रुपये का, टेस्ट करके बताओ कैसा है भाई? भाई अच्छा टेस्ट है, वाह भाई वाह। तो गाइज़ ये है मीरपुर खास का अड्डा, मीरपुर खास और हैदराबाद कराची से गाड़ियाँ यहाँ से निकलती थी। भाई एक गिलास कितने का है? 50 रुपये का। ऑरेंज वाली शरबत है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से भाई बनाता है, ये देख लें ऑरेंज वाली शरबत, और ये देख लें इस टाइप से 50 रुपये का एक गिलास है। अभी लीमू लगा रहा है, लीमू का रस लगा रहा है भाई, वाह। भाई गानों का अंदाज़ है,
ये आ गई शरबत और ऑरेंज वाली शरबत आपके सामने। और तीरथ भाई है जो है तकरीबन कितने टाइम से? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल आपकी ऐसे मैंने सरस हो चुकी है। 20-25 साल यहाँ पर भाई काम कर रहा है और टेस्टी है एकदम फर्स्ट क्लास भाई, टेस्टी है। और ये मिर्फू खास अड्डे पे उमरकोट में, अगर कोई उमरकोट आना चाहे तो ये शरबत ज़रूर ट्राई करना है तीर्थ भाई से। तीर्थ भाई के पास यहाँ पर मटके में पानी है, तो फ्रेंड्स उमरकोट शहर में जो है सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है ये मिर्फू खास वाला अड्डा यहाँ पे होती है। यहाँ पर आपको जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी क्योंकि यहाँ पर मिर्फू खास से गाड़ियाँ आती है, हैदराबाद कराची से गाड़ियाँ आती है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर जो स्टॉप करती है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको लोगों की यहाँ पर मिलेगी गाड़ियाँ और सारी जो यहाँ पर कंडीशन मिलेगी आपको देखने के लिए। पर हिंदू जो कम्युनिटी के बंदे हैं, गरीब तबके के लोग, वो स्ट्रीट फूड वाला काम करते हैं, वो करते हैं जैसे बिरयानी होगी, चाट हो गया, और उसके अलावा जो ये बर्गर फिर बर्गर हो गए, और दूसरे हो गए ना जैसे शरबत वाले, तो इस हिसाब से फिर वो जो है ना उसमें हिंदू मुस्लिम वाला काम नहीं रहता, हिंदू भी खाने आते हैं, मुस्लिम भी खाने आते हैं। तो ज़्यादातर हमने आज विज़िट किया है कि हिंदू लोग जो है वो ठेले वाला काम करते हैं, मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो सारे। और यहाँ पर लोहे के हैं दुकान भाई उमरकोट सिटी। और ये भाई ये जो पेट्रोल पंप है ये एक हिंदू माली का है, लाल माली का है पेट्रोल पंप, बहुत ही शानदार पेट्रोल पंप चलता है उमरकोट सिटी में, 1 नंबर का है, शाइन नाम से है और ज़बरदस्त किस्म से चलता है ये। अभी आए हैं हम जो है पब्लिक पार्क उमरकोट, इधर आए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं शहर की तरफ। और फिलहाल आपको दिखाते हैं ये पब्लिक पार्क है और इसका जो व्यू है आपके सामने। तो फ्रेंड्स ये है पब्लिक पार्क, आपको अंदर से दिखाते हैं पब्लिक पार्क का व्यू। और भाई यादगार शहदा पाक सरजमीन पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है पब्लिक पार्क भाई। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको जो है पसंद आया होगा। तो अभी बाकी उमरकोट के व्लॉग और भी बनाने हैं और वो व्लॉग आगे आएंगे, तो भाई जाना कहीं नहीं, व्लॉग आने वाले हैं और भी बहुत सारे व्लॉग बनाएंगे, बहुत कुछ अभी आपको उमरकोट में दिखाना है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना और भाई की सपोर्ट करना, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।